धार्मिक एवं सामाजिक संगठन आज दिनांक 26 फरवरी 2022 को राजभवन के समक्ष धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा गया। सर्वे सेटलमेंट 1935 में चिन्हित आदिवासियों के धार्मिक और सामाजिक जमीन पहनाई भुइहरी बकास्त भुइहरी डाली कटारी कोटवारी सरना मशना हटगरी जतरा टाँड इत्यादि जो जीनी जीनी और सीमांकन कर संरक्षित की जाए। सभी चिन्हित गाँव के धार्मिक और सामाजिक जमीन में हुए अवैध कब्जा से उसे मुक्त कर आदिवासी समुदाय को फिर से वापस किया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन लूट। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो जमीन दलाल है वो जमीन का काम करते हैं, अच्छी बातें करें आप, लेकिन आपको समझना होगा कि कौन जमीन सलेबल है, कौन जमीन बिक्री लायक है, कौन जमीन नहीं बिक्री लायक है, आपको जानना होगा। चूंकि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जो जमीन है, पहनाए है, भूत कहता है, डाली का तारी मुंडाई है, बहुत सारे इस तरह के जमीन जो है आदिवासी का, जो आदिवासी को आदिवासी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज उस जमीन में आप काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी का जुड़ाव जमीन से ही है। अगर जमीन खत्म हो जाएगा तो आदिवासी स्वतः ही खत्म हो जाएगा, और हम लोग ये कतई नहीं चाहेंगे। हम लोग समाज का अगुआ करते हैं, समाज का अगुआ होने के नाते मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन जहाँ भी लूट होगा ये अगर की वहाँ सबसे पहले खड़ा होगा, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर हम लोग खड़ा रहेंगे। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जितने भी आवेदन मेरे पास आता है उसको हम लोग मुखर होकर आंदोलन करते हैं और उस पर न्याय करते हैं। और आपको स्पष्ट भी बता देना चाहता हूँ कि जमीन कोई भी हो, आदिवासी का जमीन, खासकर सामाजिक धर्म जमीन, किसी को लेने नहीं दिया जाएगा। अजय त्रिवेदी जी, भू माफिया के द्वारा लगातार आदिवासी जमीन को अधिग्रहण कहाँ से मिलेगा? जिस के पास आप जा रहे हैं, जो प्रशासन के पास जा रहे हैं, खुद दलाल के हाथों बिका हुआ है, और दलाल के पास के खिलाफ आप जाइएगा तो कहाँ से प्रशासन सुनेगा? अरे आदिवासी सरकार है, उसमें नो डाउट 100% आदिवासी सरकार है, लेकिन आप प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार, लेकिन प्रशासन तो ही है बैठा हुआ ना, वो चिन्ह थोड़ी हुआ है, वो तो ही है आज भी जो कल थे, कल की सरकार जो थे आज भी वही बैठे हुए, और मंशा उनका वही है कि जमीन को लूट खसोट और दलाल के साथ मिली भगत से जमीन को किसी तरह से बेचना, यही उनकी मंशा है। तो इसमें हेमंत सोरेन क्यों नहीं बोल रहे हैं? एकदम बोलेंगे, इसीलिए हम लोग तो चुप्पी साधे हुए हैं। और आपको इस पर बता देना चाहता हूँ कि आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोग समक्ष धरना में बैठे, और हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, कल परसों हम लोग समय लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और जितने भी आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन जो लूटा गया है, कसोटा गया है, अतिक्रमण किया गया, उसे तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई करें, तुरंत आदिवासी जमीन को मुक्त करें, इस पर हम लोग बात भी रखेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन भी करने के बाद होंगे। कहीं ना कहीं से देखा था कि अजय तिर्की फिल्म लगाया जाता है कि निजी भगत है अजय तिर्की, वो तो बात सही है, बोलेंगे ही बोलेंगे। अरे जिनका चूल्हा चौकी दलालों से चलता हो, उनका चूल्हा चौकी अगर हम लोग बंद कर दे रहे हैं तो उनको तो लगेगा ही बदनाम करने का, तो बदनाम से हम डरते नहीं है, बदनाम जितना करना है करे, लेकिन जो भी मेरा नीति सिद्धांत है उससे हम भटकेंगे नहीं, जो भी हमारा संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर और आदिवासी का जो सामाजिक धार्मिक जमीन जो बचाने की बात है, हम लोग सबसे पहले आगे रहेंगे, और आगे बढ़ने वाला ही मतलब टारगेट रहता है, उसको बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा बिरसा मुंडा का क्या गलती था, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, क्या वो तो देश के लिए, झारखंड के लिए, अनेक राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए लड़ा, आदिवासी की संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को बचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए लड़ा, लेकिन फिर भी उनको क्या मिला, जेल में मौत। महात्मा गांधी को क्या मिला, आपने सभी जितने भी आंदोलनकारी रहे होंगे देश आजाद समय से अभी तक का, सबको क्या मिला, किसी न किसी कारण से उनको मौत ही मिला। हम लोग वही राह पर चल रहे हैं, और इसको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता है कि हम लोग धमकी और इस तरह से बदनाम से डरने वाले में से नहीं है, आंदोलन करेंगे और सही राह पे चलेंगे, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपकी मांग का पूरा नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? पहले आवेदन निवेदन, नहीं माने तो दे देना आदन, मतलब समझ रहे ना, पहले आवेदन करेंगे फिर निवेदन करेंगे, और नहीं माना गया तो दे देना आदन, हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। ठीक।